हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विटामिन से रिलेटेड 40 प्लस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही है। और अगर विटामिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो आपका एक नंबर पक्का है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो वीडियो में अपन तक बने रहें। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा गया है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है फ्रेंड्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए और लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, अगर किसी का भी राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो विटामिन शब्द सी फंक ने दिया था, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि विटामिन शब्द सी फंक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विटामिन से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो विटामिन से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, जबकि ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा से प्राप्त होती है फ्रेंड्स। तो आप इसे याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो जो विटामिन है यह लैटिन भाषा का शब्द है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे कि विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर फोर है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें हम एस्ट्रोनॉमी की, तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। और यदि बात करें हम ओडेंटोलॉजी की, तो ओडेंटोलॉजी यानी दांतों तथा मशीनों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आप इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो विटामिन डी है यह हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, यानी फ्रेंड्स यहाँ से जो ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन एवं रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये फैक्ट भी आप ज़रूर याद रखें, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर सेवन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। तो विटामिन बी सेवन की कमी से बाल गिरने लगते हैं, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, मछली के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। तो मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन बी की बहुलता होती है, यानी जो यहाँ सी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों ही। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन है, मनुष्य के होंठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं। तो मनुष्य के होंठ विटामिन सी की कमी के कारण फट जाते हैं, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि मनुष्य के होंठ किस विटामिन की कमी से फटते हैं। तो मनुष्य के जो होंठ हैं यह विटामिन सी की कमी से फट जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैलाग्रा रोग यानी मंदबुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जो पैलाग्रा रोग है, जिसे मंदबुद्धि रोग भी कहा जाता है, तो यह विटामिन बी थ्री की कमी के कारण होता है, यानी यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम पाइरीडॉक्सिन है, यानी जो यहाँ से ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम है साइनोकोवाल्मिन, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है। तो सौंदर्य विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो
तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, यानी यहाँ से जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो आप इसे याद रखेंगे, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरोल है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन एच को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन एच को विटामिन B7 और बायोटिन, यानी यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों ही यह राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, विटामिन एच को विटामिन B7 भी कहा जाता है, एवं जो बायोटिन है इसे विटामिन B7 का ही रासायनिक नाम है। फ्रेंड्स, तो आप इसे भी याद रखेंगे, जो बायोटिन है यह जो विटामिन B7 का ही रासायनिक नाम है, तो ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूत्र में यानी यूरिन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यूरिन में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? तो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को विटामिन ई नष्ट करता है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, यहाँ से हमारा जो बी ऑप्शन है राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए फ्रेंड्स, दूध में विटामिन ए, विटामिन डी तथा विटामिन के तीनों ही पाए जाते हैं, और लेकिन जो विटामिन सी है दूध में नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो मानव शरीर को में संक्रमण रोकने में विटामिन ए सहायक होता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, तो आपको इसको याद रखना है, जो मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है वह विटामिन ए है, तो आप इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो विटामिन ए जो है यह यकृत में स्टोर होता है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए एवं बी की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज मैक्यूअल ने की थी, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, विटामिन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज पूछ ली जाती है कि किस विटामिन की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी रोग है यह विटामिन ए की कमी से होता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, रैकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रैकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 30 है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमायोलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो यह बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। तो फ्रेंड्स यहां पे आपको बताना है कि बच्चों के अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं। तो बच्चों के अंगों की अस्थियां विटामिन डी की कमी से मुड़ जाती हैं, यानी जो सी ऑप्शन है यहां पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जो विटामिन बी एवं सी है यह जल में घुलनशील विटामिन है, यानी यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, विटामिन को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, एक तो जल में घुलनशील विटामिन जो कि विटामिन ए एवं सी है, और यदि पूछा जाता है कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए डी ई के, आप इसे एडिक इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए डी ई के जो हैं यह बसा में घुलनशील विटामिन है फ्रेंड्स, तो आप इन्हें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बाँझपन का खतरा बढ़ जाता है? तो विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता एवं स्त्रियों में बाँझपन का खतरा बढ़ जाता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो जो विटामिन सी है यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें हम कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफोरल होता है, और इसकी कमी से होने वाला रोग सूखा रोग यानी रैकेट्स जो है, इसकी कमी से होने वाला रोग है। और यदि बात करें हम कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश, मक्खन, घी एवं अंडे से प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो जो विटामिन बी है यह कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, यानी यहाँ से हमारा जो सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें एंटी कैंसर विटामिन ए को कहा जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस कार्बोनिक एसिड, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में आरबीसी बनाने में सहायक होता है? तो जो विटामिन सी है यह मानव शरीर में आरबीसी बनाने में सहायक होता है, यानी यहाँ से हमारा बी ऑप्शन है जो राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्यूनॉन, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आप इसे भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन वी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन वी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो गाजर है इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन वी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन वी का रासायनिक नाम है थायमिन, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि विटामिन बी जो है इसका रासायनिक नाम थायमिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो जो कोबाल्ट है विटामिन बी 12 में पाया जाता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जिसको भी एनीमिया रोग होता है उसके रक्त में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, किसकी? आरबीसी की मात्रा जो है कम हो जाती है फ्रेंड्स, तो ये फैक्ट जरूर याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 27 है, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जरूरी है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आपको इसको याद रखना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग होगा। तो आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारा लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।